ना पूछे वो। हाँ तुम मुझे पेवर दिखा लो। हाँ? अरे जान ले लोगे क्या? एक चमार मारो का दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अरे भाई साहब पागल कर रखा है इन लोगों ने। सोसाइटी की नाक में दम कर रखा है, रोज का नया ड्रामा इनका। ओ नीलम जी, अरे समझाइए अपने ननद को। देखिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बात करती हूँ। अरे किसी दिन किसी की जान लेकर आएगी। देखो मैं भी कैसे मारती हूँ। अब देखिए इनको, अरे ये मेरे सर पे गिर जाता तो मुझे चोट लगता ना। अरे आपका पति इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी करेंगे। मैं बात कर रही हूँ। अब तो पुलिस कंप्लेंट करना ही पड़ेगा मुझे। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं समझाती हूँ। जाइए समझाइए, ये आखिरी बार है जी। अरे यार परेशान हो गया, इन लोगों के लिए यहाँ पे रहना भी सुकून नहीं है। क्या हुआ बेटा, मामी को नहीं बताओगे? मम्मी पापा से झगड़ रही है। छोड़ो जाने दो इनको, इनका तो रोज का यही है। तुम क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो? चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, चल ना। पति पत्नी के विचारों में, आदतों में, सोच में टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जब यही टकराव अपनी हदें पार करने लगते हैं तो अक्सर घरेलू हिंसा का कारण बन जाते हैं। और माता पिता का यही हिंसक बर्ताव बच्चों के मन और मस्तिष्क पर गहरा और बुरा असर छोड़ता है। ऐसे बच्चे डरे सहमे से अपने आप में ही घुटते रहते हैं, उनका बचपन कहीं खो जाता है, उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता। ऐसे बच्चे अपने अंदर कई तूफान समेटे हुए होते हैं। जब मासूम मन में दबी हुई भावनाओं का ज्वालामुखी फटता है तो सामने आते हैं आत्मा को झकझोर देने वाले भयावह किस्से। सब मेरा बेटा कहीं खो गया, मुझे कंप्लेंट लिखवा। ठीक है आप रोइए मत, आइए मेरे साथ। सब मेरा बच्चा कहीं खो गया। एक मिनट आप शांत हो जाइए, पहले अपने बेटे का नाम बताइए और उम्र बताइए। दीपू सर, स्कूल में दीपक किशोर सिंह नाम था, उम्र 7 साल थी सर। आप कौन? मेरा बेटा था सर। अच्छा अच्छा बैठिए। अच्छा ये बताइए कि आपका बच्चा कब गायब हुआ था, मेरा मतलब है कितने बजे? सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, पर स्कूल से आने के बाद, स्कूल से आया था ना वो? उसका बैग घर पर ही था। वो स्कूल गया था या नहीं? सर इसी का काम है उसे स्कूल भेजना। हाँ सर मैंने उसे उठा के तैयार तो कर दिया था। फिर क्या, फिर चैटिंग पे लग गए? एक काम ठीक से नहीं होता इस आदमी से, जब देखो तब चटियाता रहता है उस कमीनी औरत के साथ। उसके अलावा आता है तुम्हें कुछ? सर मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी कुछ हुआ ना इसी आदमी की वजह से हुआ, इसी आदमी की वजह से गायब हो गया मेरा। मेरी वजह से? कि तेरी वजह से? होश क्या था तुम्हारा, जब सो के उठे थे देखा नहीं बच्चा कहाँ है, उसे छोड़ के बाहर चली गया अकेले? अगर मैं मार्केट नहीं जाती तो सब्जी लेने तुम्हारी भूल चढ़ी जाती। सर मैं आपसे कह रही हूँ, जरूर इस आदमी ने ना मेरे दीपू के साथ कुछ कर दिया। सटक गई तेरी जुमन में बाकी जा रही तू। सर ना तो उसका जबान पे लगाम है और नहीं दिमाग पे। उस दिन तो मैं जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर। बैठो शुरू, उस कमीनी औरत के साथ क्या है? किसे चैट कर रहे हो? दोस्त का मैसेज चेक कर रहा हूँ। अच्छा दिखा दे। अरे दोस्त के मैसेज चेक करो क्या? दिखाओ क्या? अरे रे अरे दिखाओ क्या? अरे रे अरे दिखाओ। अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा, डर क्यों? दिखाओ। अरे गिर जाएगा बोलो ना, गिर जाएगा। अरे पागल है क्या? अरे दिखाओ। अरे मोबाइल बंद हो जाएगा, गिर जाएगा बोलो ना, गिर जाएगा। अरे दिखाओ मुझे, तेरा दिमाग खराब है क्या? उसे लैपटॉप तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, होश में है तू? मुझे शांति नहीं मिली। अगर तुम्हारा ये फोन मेरे हाथ में आ जाता ना तो मैं भी इसे गिरा के तोड़ देती। एक चमार मारो का दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मुझे मारोगे? भाई ऐसे मारो, मुझे मारो ना, मारो ना, हिम्मत है मारने की, मारो। देखो मैं भी कैसे मारती हूँ, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस चटियाते रहते खाली औरतों के साथ। आजा, वो तुझे बहुत कम है, भाग ऐसे जा अपना काम कर, भाग ऐसे। अरे मारो, अरे जा यहां से, काम कर। हिम्मत है तो मार के दिखाओ ना, बेकार के घर में पड़े रहते हो। मजा तुम जा अपना काम करो, बेकार के घर में पड़े रहते हो और मुझे सुना रहे हो। काम करते हो, तुम्हारा फोन तोड़ दोगे वापस। मुझे सुनाने की हिम्मत मत करना। जा अपना काम कर तू भाई, तुम अपना काम करो, जब देखो तब मुझे बोलते रहते हो। सर ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद दूध का धुला है।
सर एक बार मैं इसकी शर्ट धोने डाल रही थी, क्या हुआ? लिपस्टिक का दाग ढूंढ रही हो? ठीक से ढूंढो, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, अभी मिलेगा। क्या कर रहे हो तुम? लो लगा लो लिपस्टिक का दाग। क्या लगा? ठीक है, मैं खुद ही लगा देता हूँ। क्रॉस करियो सीधा, तुम्हें दौरे पड़ते पागलपन के, कहीं उसी में तुमने दीपू के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? तुम कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, मुझे यहाँ बहसबाजी नहीं चाहिए। सर बहसबाजी नहीं, इसकी असलियत बता रहा हूँ मैं। बस कैसे माँ बाप हैं आप लोग, एक तो बच्चे को ठीक से संभालते नहीं है और यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर तमाशा कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब जितना पूछूंगा उतना जवाब देना। बच्चे का फोटो लाए दीजिए। कोई फिरौती का फोन वगैरह आया था? नहीं सर। आपको किसी पे कोई शक है, कोई किसी से दुश्मनी? नहीं सर। आपने उसे डांटा या फटकारा था? नहीं सर। उसका कोई दोस्त वगैरह छोटा या बड़ा फोन किया पूछा? सर उसकी दोस्त मैं ही हूँ, उसकी मामी, मेरे अलावा वो कहीं आता जाता नहीं था। ठीक है, इस वक्त आप लोग जाइए, हम लोग उसे ढूंढते हैं। रात बहुत हो चुकी है इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सुबह आएंगे। और हाँ, इस बीच अगर कोई और डेवलपमेंट हो तो मुझे बताना। ठीक है सर, प्लीज। मम्मी, डर लग रहा है, बाहर निकालो। तबीयत ठीक है बीबी का? गेट खोल साहब। है साहब, भाग मेरे नेबर्स और वॉचमैन से पूछताछ करो और दो कांस्टेबल्स को बाहर भेजो। सर। और सावंत मेरे साथ ऊपर चलो। भास्कर तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ। तो उसका भाई अगर आकाश सोसाइटी का सेक्रेटरी और बिल्डर नहीं होता ना तो कब का मैं उसको निकाल बाहर फेंकता। रोज कोई ना कोई लफड़ा सर, रोज कोई ना कोई मगजमारी। हम लोग तो परेशान हो गए हैं सर, कभी कभी तो लगता है हम किसी बिल्डिंग के सोसाइटी में नहीं बल्कि अखाड़े में रह रहे हैं। अच्छा उनके बेटे दीपू के बारे में कुछ बता सकते हो तुम? दीपू तो उनका बेटा लगता ही नहीं है सर, वो बेचारा रोज सुबह से शाम तक सीढ़ियों पर बैठा रहता है, खाली पेट, भूखे प्यासे, बिना नहाए धोए। हमें उसकी हालत ऐसी देखी नहीं जाती तो हम उसे कुछ ना कुछ खाने पीने को दे देते हैं सर। सर एक खास बात, दीपू के बाप को औरतों का बहुत बुरा नशा है, उसकी माँ हमेशा अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने के पीछे लगी रहती है। जब उनके माँ बाप होश में नहीं रहते तो फिर दीपू की देखभाल कौन करेगा सर? अच्छा आखिरी बार कब देखा था तुमने? ये मुझे याद नहीं सर। सर मेरी बहन है शीला। मुझे ये कहना नहीं चाहिए पर क्योंकि यहाँ मेरे भांजे की बात है इसलिए रहा नहीं चाहता। ये दोनों माँ बाप बनने के लायक है ही नहीं। एक के लिए फोन पर लगे रहना उसका जन्मजात हक है और दूसरे के लिए सब कुछ शक। बच्चे की तो दोनों को पड़ी ही नहीं थी, ऐसे फूल से बच्चे को रौन डाला था दोनों ने। इन दोनों ने दीपू की वो हालत कर दी थी कि उसने पहले भी भागने की कोशिश की थी।
दिखा दिखा बैग में क्या है, दिखा मुझे। तू घर छोड़कर जा रहा है? यानी आपके हिसाब से जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार बच्चे के माँ बाप ही हैं? हाँ सर। कैसे माँ बाप हैं, इनका अपना बच्चा इन्हें छोड़कर चला गया, वो भी सिर्फ 7 साल का। कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गया? हाँ साहब, दीपू शाम में गया था उधर, उसके बाद नहीं दिखा। और तूने जाने दिया, रोका भी नहीं, किस लिए रखा गया तेरे को इधर? साहब वो अक्सर बाहर खेलने के लिए जाता था, के लिए नहीं रोके। रुको जरा, 302 में जो दीपू रहता है उसे जानते हो तुम? नहीं सर। वाघमरे? यस सर। सावंत, तुम वाघमरे के साथ यहाँ कंटिन्यू करो, मैं दीपू को स्कूल होकर आता हूँ। ओके सर। दीपू पढ़ाई में काफी अच्छा था, पता नहीं अचानक से वो शांत हो गया, उदास रहने लगा, उसकी पढ़ाई पर भी असर हो गया, मार्क्स गिरने लगे, रेगुलर अब्सेंट रहता था। आपने कभी उससे जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने कई बार जानने की कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कई बार तो वो स्कूल में बिना टिफिन का ही आया करता था, भूखा रहता था, ऐसा लगता था कि उस पर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, निग्लेक्टेड बच्चा है। मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश की, कुछ दिन तो ठीक था पर फिर से वही चीजें होने लगी। थैंक यू सो मच, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आएंगे। जी नमस्ते। सर कोलकाता से मैं आज ही आया हूँ, इसीलिए सिचुएशन का ज़्यादा पता नहीं, पर उसका पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे के प्रति एकदम अच्छा नहीं था। एक दिन तो उन दोनों के आपसी झगड़े में उस मासूम का भी हाथ तोड़ दिया था। अगर उसे कुछ हो गया ना, वरना इसको यही पटक दूंगा, मर जाएगा। गेट खोल, गेट खोल जल्दी। रुक जा बेटा, बेटा ठीक हो जाएगा। मतलब बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार था? वो तो पता नहीं सर, लेकिन ट्रबल में जरूर था। और फिर एक दिन तो किशोर की पत्नी ने बिना देखे समझे मेरे सर के ऊपर गमला फेंक दिया था, और फिर अपने पति का लैपटॉप भी। ठीक है आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। तहकीकात में एक बात खुलकर सामने आ रही थी कि शीला और किशोर ने अपनी जाती जिंदगी को घर की चार दीवारी से निकालकर चौराहे पर खड़ा कर दिया था, और उनकी आपसी कला दीपू पर कहर बनकर टूट रही थी। क्या रोज के इस तमाशे से तंग आकर दीपू कहीं चला गया था, या वो किसी हादसे का शिकार हुआ था, या फिर किसी ने हालात का फायदा उठाकर दीपू के साथ कुछ ऐसा किया था जो सबकी कल्पना से परे था। दीपू के माता पिता एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, लेकिन उनकी दलीलें कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। वाघमरे अगर लोगों की माने तो दीपू के पेरेंट्स को उसकी कुछ खास फिक्र नहीं थी, दीपू का कोई दोस्त भी नहीं था, वो स्कूल कभी जाता था कभी नहीं भी जाता था, और अपने घर से ज्यादा अपने घर की सीढ़ियों पर या फिर अपने मामा के घर पर रहता था। सर इन सभी की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि कहीं दीपू के माँ बाप में से तो किसी ने कांड नहीं किया होगा। हो सकता है एक ने दूसरे को सबक सिखाने के लिए दीपू को गायब किया। एक काम करो, दीपू के पेरेंट्स को फिर से बुलाओ। सर समय समझ नहीं पाई, अब क्या पूछना चाहते हैं? यही कि दीपू का हाथ तुम दोनों में से किसने तोड़ा था? सर वो एक एक्सीडेंट था। फिर तो दीपू का किडनैप होना भी एक एक्सीडेंट ही है। तुम्हें क्या लगता है हम यहां भजिया तले बैठे हुए? बकवास बंद करो और सच सच बताओ कि क्या हुआ था। इसके रोज रोज के खिटपिट से मेरा पारा हाई था सर, ऐसे में ये मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे थे सर। अब ऐसे में दीपू आके वहां पे खेलने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाया तो उसका हाथ टूट गया सर। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मेरा मूड ऑफ था सर, पैनिक होके उठा तो उसके सर पे वो लैंप गिर गई जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग गई सर। और कितनी कहानियां बना के रखी हो तुम दोनों ने। जिस दिन मुझे पता चला कि इस केस में तुम दोनों का हाथ है तो जेल में झाड़ू लगाते नजर आओगे तुम दोनों। जाओ अभी। हाँ सावंत बोल।
क्या? लेकिन उसने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है सर, सावंत का कॉल था। उस वॉचमैन ने बताया कि दीपू अक्सर अकेले में पास के कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाता रहता था। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन साइट को चेक करते हैं। तो कोई भी नहीं है, फिर ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? सर ये कुत्ता यहाँ पर रोज ऐसा ही भौंकता है, कोई हो या ना। बागमरे, कुत्ते का इस तरह एक ही जगह में बार बार भौंकना मुझे कुछ अबनॉर्मल लग रहा है। काम करो, डॉग स्क्वाड को बुलाओ और चेक करवाओ। सर तुझे मना किया था ना सोसाइटी के बच्चों के साथ नहीं जाएगा तू खेलने, हाँ क्यों गया? बोल, जाएगा दोबारा? जाएगा दोबारा खेलने बच्चों के साथ? हाँ? कुत्ता भी यहीं आकर सूंघ रहा है, जरूर यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। खुद लाओ, चेक करो। उस तरफ तोड़ो। बच्चे के हाथ की उंगलियां हैं। बागमरे, ये पूरा स्लैब फॉरेंसिक लैब भेजो। सर, इस कंस्ट्रक्शन साइट का बिल्डर कौन है? सर वो आकाश साहब है। एक नई इमारत की नींव में दबी एक लाश ने लोगों को सिर्फ भौचक्का ही नहीं किया बल्कि उनके विश्वास की बुनियाद को भी हिला दिया। क्या किसी को जिंदा दफन किया गया था नींव में, या फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए की गई थी ऐसी हैवानियत? दीवारों में चुनवाए जाने के किस्से तो लोगों ने सुने थे, लेकिन जब यह हकीकत सामने आई तो लोग हैरान रह गए। ये तो तय था कि यह लाश दीपू की नहीं थी, लेकिन पुलिस के सामने था अब एक और नया केस, और पुलिस जी जान से इसे सुलझाने के लिए जुट गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फाउंडेशन में बच्चे की बॉडी कैसे आ सकती है? मिस्टर आकाश, ये तो आपकी साइट है, आप ही बता सकते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। कमाल है मिस्टर आकाश, आपकी साइट पे इतना बड़ा कांड हो जाता है और आपको खबर तक नहीं। इंस्पेक्टर मैं सच कह रहा हूं, हर साइट पे हर पल मेरा फिजिकली रहना पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्डर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हर कंस्ट्रक्शन साइट पे रहूं। इसीलिए मैंने इसका इंचार्ज किशोर को बनाया था। कब डाला था ये स्लैब आपने? कुछ 4 महीने पहले, और 3 महीने से तो वहां काम भी बंद है। वागमरे, मुझे इस कंस्ट्रक्शन साइट के जितने भी लेबर हैं, मिस्त्री हैं और सिक्योरिटी स्टाफ हैं, उन सबके बयान चाहिए। इनसे नंबर लो और पूछताछ शुरू करो। और मिस्टर आकाश, आप हमें बिना बताए इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, तो तुम उस साइट के इंचार्ज हो। हाँ सर, मैं ही हूँ। वहां किसे दफन किया था, किसे मारा था? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मैंने किसको मारा था, किसको दफन किया था? मैं इज्जतदार आदमी हूँ सर। अपनी इज्जत के कसीदे बाद में पढ़ना, पहले अपनी काली करतूत के चिट्ठे खोल। किसे मारा बोल? सर मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी ना, यकीन से नाता तोड़ लिया था। एक दिन तेरा ये झूठ ही तुझे दफन करेगा। चल जा अभी, जा। और सुन,
जब तक इस लाश के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा तू। नजर रखना इस पर, यह लाश पुरानी है, शायद 4 या 5 महीने पहले इसे दफनाया गया है। यानी यह भी एक मर्डर केस हो सकता है। एक बात और, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के हथियार के निशान नहीं पाए गए। बच्चे के स्कल के सभी पोर्ट्स में सीमेंट मिली है, ऐसा लगता है शायद इसे जिंदा ही दफनाया गया। जिंदा? जी। इसका मतलब ये केस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और टेढ़ा है। किसी बच्चे को जिंदा दफन किया गया था नींव में, लेकिन क्यों, किसने किया था ये हैवानियत का काम? क्या किशोर का वाकई कोई लेना देना नहीं था इस केस से? क्या दीपू के गायब होने का कोई सिरा जुड़ता था इस केस से? पुलिस के सामने कई सवाल सर उठाए खड़े थे। करण सर। अरे वो प्रकाश किधर है? सर प्रकाश तो आ ही नहीं रहा सर। किधर रहता वो? सर वो पैंकर पड़े में रहता है। पैंकर? ठीक है, पूरा एड्रेस लिख के दे। हाँ सर। हेलो सर, जिस दिन से दीपू गायब हुआ है प्रकाश काम पर नहीं आ रहा है। ये तोड़ो। तलाशी लो अच्छे से। सर ये देखिए, ये क्या? प्रकाश तो हिस्ट्री चीटर है। सर प्रकाश 3 बार चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में अंदर था और अभी 6 महीने पहले वो जेल से बाहर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी प्रकाश ने इस बच्चे को मोलेस्ट करके कंक्रीट में दफन कर दिया और उसी ने दीपू को भी किडनैप किया? वाघमरे, हमें इस प्रकाश को ढूंढना होगा, तभी इस केस की गुत्थी सुलझेगी। सलाम साहब, आपका मुर्गा मिल गया। साहब हम कुछ नहीं किए, हमको बेकार पूछा। साहब हम सही बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं किए साहब। आपको गलत नाटक बंद कर और बता दीपू कहाँ है, बोल। सच्ची बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए दीपू के साथ। जयंती की होगी उसके साथ। जयंती? कौन जयंती? काम वाली भाई है साहब, 302 में काम करती थी। मैडम ने उसको नौकरी से निकाल दिया, तब से बहुत गुस्से में थी वो, उनको धमकाया भी था। क्यों? उसका किशोर साहब के साथ चक्कर चलता था साहब। किशोर साहब जयंती के पीछे दुम हिलाते फिरते थे। ये जयंती कहाँ मिलेगी? पटेल नगर के झोपड़े में। अरे मैडम, मेरे को काय को पकड़ा है। दीपू कहाँ है? साहब मेरे को कैसे पता? 302 में जो दीपू रहता है उसे जानते हो तुम? नहीं साहब। तो फिर उस दिन झूठ क्यों बोला था? तेरा और किशोर साहब का क्या चक्कर है, बोल। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, मुझ में ज्यादा पेशेंस नहीं है, और ये मैडम जो खड़ी है ना, अगर इसने पेशेंस खो दिया तो तेरा अस्पताल पक्का है। भावे, एक बेड बुक कर इमरजेंसी में इसके लिए। बोलो। वो साहब किशोर साहब के साथ मेरा चक्कर था। Thank you.
उसके बाद मेम साहब ने काम से निकाल दिया। कमाल है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे पैसे मांगने की? चल निकल यहाँ से। चली जाएगी मेम साहब, लेकिन जितना पगार हुआ है उतना तो दे दो, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। सोने के मजे बहुत लूटे ना तूने, तो जाना अब रोने के लूट, बेच दे जाके अपने आप को, भीख मांग जाके। मेम साहब जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो, मैं काम के पैसे मांग रही हूँ, फोकट के पैसे नहीं। तू मुझे एटीट्यूड दिखा रही है? मेरे घर में इस समय तू सही सलामत खड़ी है ना, यही मेरी मेहरबानी है। अपने से ऊपर वाले मर्द के साथ सो गई ना, इसलिए साली तू अपनी औकात ही भूल गई। ओ मैडम, औकात की बात मत करो, अपने पति को संभालो जाकर। चल निकल निकल, मेरे घर में आके मुझे सिखा दिया, निकल यहां से। लेकिन साहब मेरा क्या, इसका भी तो चक्कर चल रहा था मेरे साहब के साथ। नहीं साहब, उस दिन साहब के साथ इसको पकड़ने के बाद। प्रकाश जरा ऊपर आना। हाँ ठीक है। आ जाओ अंदर। प्रकाश मेरे बाथरूम का शाह खराब हो गया, जरा प्लीज देख लो। अरे मैडम इसके लिए तो प्लम्बर वाला को फोन करना, हम कर देते हैं अभी जाके। अरे प्लम्बर के चक्कर में रही तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए तो हम मतलब कुछ भी। तो चलो अरे हिचकिचाओ मत, चलो आपके साथ। साहब घर पर नहीं है, आ जाओ आ जाओ। अरे तुम्हारा हाथ लगते ही ठीक हो गया, ऐसा क्या किया तुमने? तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए, आई एम सो सॉरी। उस कमरे में टॉवेल है, तुम जाकर पोछ लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। दीपू बेटा, मम्मा अभी कुछ जरूरी काम कर रही है, तुम सो जाओ। हाँ मम्मा थोड़ी देर में आती है। जाओ बेटा। ये लो कपड़े चेंज करो, ये कपड़े तुम पर अच्छे लगेंगे। हेलो। अरे साला गलत टाइम पे फोन किया यार। 302 वाली मैडम के साथ है साले, बेडरूम में उनके। गावे लू जब तू पाउडर जीला नाल लागेला कमरिया, गावे लू जब तू पाउडर। तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है बे? घर में कैसे घुसा? तुम दोनों ने इस बात का गुस्सा दीपू को उतारा, हो सका आप करके? नहीं साहब, हम दोनों ने दीपू के साथ कुछ नहीं किया, वो उस दिन हम दोनों ने फैसला भी किया कि दीपू का किडनैप करेंगे। साली का दिमाग खराब हो गया है, मेरे को नौकरी से निकालती है। अरे उसका पति खोटा है वो, उस पे गुस्सा निकाले ना, मेरे को नौकरी से काय को निकालती है? एक नंबर के कमीने लोग हैं। शीला मैम साहब हमको बकरा बना के किशोर साहब के सामने पटक दिया। इस मेम साहब को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बदला तो हम भी लेना चाहते हैं। सुनना,
मेरे पास एक प्लान है, अगर इस कुतिया को सबक सिखाना है ना, दीपू को उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम सब फंस जाएंगे, और कुछ सोचते हैं। क्यों? तो उस औरत से शादी कर साहब को सबक सिखाएगा? नहीं, लेकिन दीपू को उठाएंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। जरा सोच, अगर बच्चे को उठाया तो एक तीर से दो निशाने, तेरा बदला साहब से पूरा हो जाएगा और मेरा मेम साहब से। चल दूर है, चांस नहीं मारने का, समझाना। और दूसरे दिन मैं दीपू से मिली और उसे समझाया कि उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करती और उसे बोर्डिंग भेज देगी, और साहब वो मान भी गया मेरे साथ भागने को। फिर पता चला कि बीच रास्ते में मेम साहब ने उसे पकड़ लिया था। दीपू कहाँ जा रहा है? और दो दिन बाद दोबारा हमने उसे पकड़ा। मेरी मम्मी गंदी है, मुझे बोर्डिंग भेजना चाहती है, मैंने मना भी किया, तुम्हारा भी। देखा, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? तू रहेगा मेरे साथ तो फिर एक काम कर, कल रात होते ही बिल्डिंग के बाहर आना, और जो दुकानें हैं ना, मैं तेरा वहीं वेट करेगी, ठीक है? हम लोग समय से वहाँ पहुँच कर इंतजार करने लगे। ए, टाइम देख। अच्छे से समझाए थे उसको? अरे बराबर से समझाया था, और आइसक्रीम भी खिलाई थी। साला गर्मी में आटा गीला हो गया। वहाँ खड़े खड़े हम लोग का एकदम दिमाग का बच गया था, पर वो नहीं आया। फिर अचानक से एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो दिखा तो हम लोग डर से भाग लिए वहां से। सर, सर वो शीला जी और आकाश जी मिलने आए। बैठा उन्हें। जी सर। सर, मेरे दीपू का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये किशोर कहाँ है? सर, वो क्यों आएगा, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं, माँ बेटा बीवी किसी की नहीं, बस सारा दिन औरतों से चैटिंग करता रहता, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता सर उस आदमी को। सर, किसी काम का नहीं है वो, एकदम नाकारा, निकम्मा और गैर जिम्मेदार इंसान है। मैंने अपनी बहन पर तरस खाकर उसे काम दिया था, और उसने वो भी बर्बाद कर दिया। आज उसकी वजह से मेरा नाम भी खराब हो गया। गैर जिम्मेदार तो आप भी कम नहीं है मिस्टर आकाश, अपनी बहन की शादी कराते हैं एक ऐसे आदमी से जो एकदम नाकारा है, और अपनी बिल्डिंग का वॉचमैन हायर करते हैं बिना किसी बैकग्राउंड चेक के। हिस्ट्री शीटर है आपका वॉचमैन प्रकाश, सजा याफ्ता मुजरिम। वो और आपकी मेट जयंती मिलकर के दीपू को किडनैप करने का प्लान कर रहे थे। मतलब सर, उन लोगों ने ही मेरे दीपू को किडनैप? जी नहीं, वो सफल नहीं हो पाए। अब आप लोग यहां से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए, जैसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कैसा अजीब परिवार है ये किशोर और शीला का, कैसे अजीब रिश्ते हैं। एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो क्या दीपू भी उनकी इन्हीं भावनाओं का शिकार हुआ था, या फिर किसी ने मौके का फायदा उठाकर दीपू को लापता कर दिया था? सलाम साहब। सर, पता चल गया। क्या? कुछ लोगों ने दीपू को सफेद कलर की स्कॉर्पियो भी देखा था, वो आराम से बैठ के जूस पी रहा था। फिर अचानक से एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो दिखा तो हम लोग डर से भाग लिए वहां से। गाड़ी का ड्राइवर कौन था? साहब, गाड़ी कौन चला रहा था ये तो पता नहीं है, पर गाड़ी किसकी ये पता चल गया। सर, मैं मानता हूँ गुस्से में आके मैंने एक बार दीपू का हाथ तोड़ दिया था, पर मेरा बेटा है सर, प्यार करता हूँ मैं उससे, मैं अपने बेटे के साथ ही ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर किसी और बच्चे के साथ किया, उसे मारकर फाउंडेशन में दफना दिया? सर, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, किसी को नहीं दफनाया। झूठ बोलता तू, अपने बच्चे को अगवा किया और झूठ बोलता है। सर, मैं अपने बच्चे को अगवा क्यों करूंगा? अगर तूने अगवा नहीं किया तो फिर उस दिन दीपू को लेकर तू कार में जा। सर, मुझे नहीं पता, मैं उस दिन कार लेके गया ही नहीं था। अगर तू गाड़ी लेकर नहीं गया था तो उस कार को कौन चला रहा था? सर, मुझे नहीं पता, चाबी वॉचमैन के पास रहती है। वॉचमैन के पास? दीपू
दीपू के गायब होने के शाम को किशोर ने अपने कार की चाबी तुझे दी थी ना? जी, लेकिन सर वो कार से निकला है। ठीक है, तुम उसका पीछा करो और हमें बता दे रहो। जी सर। सर अब वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे गया। बच्चे को दफनाने जा रहा है, पहले तेरी कब्र खोदते हैं। ले चलो उसको। अब अगर तूने सच को छुपाने की कोशिश की तो तेरी फाउंडेशन में मैं तुझे ही गाड़ दूंगा। बच्चे को दफन करता है क्यों किया ये सर? कहने को ही बिजनेस बचा था, बहुत घाटा हो रहा था। एक दिन ऐसे ही कुछ लोगों की बातों में फाउंडेशन सेक्रीफाइस के बारे में सुना, पता चला इससे सब शुभ होता है। पहले नहीं करना चाहता था लेकिन लगातार घाटे से काफी डेस्परेट हो गया था और मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। इससे पहले भी मैंने एक बच्चे की बलि दी जिससे कुछ फायदा हुआ। मजबूरी इंसान को इतना मजबूर नहीं बनाती है। ये तेरा लालच है जिसने तेरे जमीर को दफन कर दिया था। जरा सोच कर देख क्या करने जा रहा था तू? तू अपने सगे भांजे को दफनाने जा रहा था। इतना जलील ख्याल तेरे दिमाग में आया भी कैसे? दीपू की कदर नहीं थी उसके माँ बाप को, उसको उठाना आसान था। चला चला घर में। जल गई, अब समझ में आया जलना किसे कहते हैं? मैंने सिर्फ नाटक किया लेकिन तुम तो रोज सोते हो ना उस कमीनी औरत के साथ, मेरे इसी घर में मेरे ही बिस्तर पर। तुम कभी नहीं सुधर सकते। फिर एक दिन मैं एक बाबा से मिला जिन्होंने कहा कि किसी अपने का बलिदान दोगे तो तुम्हारा सोया भाग्य जागेगा। मैं तो उसे उसी दिन मार देता, पर बाबा का ही कहना था कि अगर उसे आज मारता हूं तो सब शुभ होगा। इत्तेफाकन 3-4 दिन पहले मुझे मौका मिला उसे किडनैप करने का, वरना मैं उसे आज ही किडनैप करने वाला था। ये बाबाओं के चक्कर में पड़ के तूने जो कुछ भी किया उससे तूने अपने भाग्य को सुलाया ही नहीं बल्कि जेल की काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। तुझ जैसे लोग ही मामाओं को कंस बनाते हैं। पुलिस ने दीपू को तो बचा लिया था लेकिन आकाश जैसे लोग इंसानियत के नाम पर कलंक होते हैं। अंधविश्वास की आड़ में वो अपने ही भांजे को दफन करने जा रहा था। कोई भी विश्वास या पूजा पाठ अगर किसी दूसरे को आहत करे, हिंसा के लिए प्रेरित करे तो वो विश्वास नहीं होता, उसके पीछे के इरादे नेक नहीं होते। और ऐसी राय देने वाला इंसान सिर्फ आपको गुमराह करता है अपने निजी स्वार्थ के लिए। जरा सोच कर देखिए किसी की खुशियों की कब्र पर आपकी खुशियों की इमारत कैसे बन सकती है।
मेहनत, सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करने वालों को इस बात का कोई डर नहीं होता कि नुकसान होने पर वो क्या करेंगे। वो अपनी सूझबूझ से कठिन हालात का डटकर मुकाबला करते हैं और अपने आप को समेट कर जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन दीपू के साथ जो हुआ उसका जितना जिम्मेदार आकाश है, उतने ही जिम्मेदार उसके माता पिता शीला और किशोर भी हैं। इसे शीला की खुशकिस्मती कह लें या दीपू की, कि दीपू के साथ कोई अनहोनी होने से पहले ही पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। लेकिन ऐसे कई दिल दहला देने वाले हादसे देखने और सुनने में आते हैं जहां पुलिस की मदद सही समय पर नहीं पहुंच पाती। ये किसका दोष है? हम शीला और किशोर जैसे माता पिता से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर सकते, उनके कोमल मन की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें जन्म देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस संसार का हर जीव अपने बच्चों की देखभाल करता है, तो फिर हम क्यों नहीं? इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.